सर सवाल ये है कि जिस तरह से पहले अखिलेश यादव बात कर रहे थे कि डीनेट कराया जाए, समाजवादी पार्टी के लोग अब उससे आगे बढ़कर नारको टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा कभी होता है फिर साहब? ये जो जघन्य अपराध है अमानवीय है, समाज को शर्मिंदा करने वाला है, हम सबको शर्मिंदा करने वाला है। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और दुखद ये है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि समाजवादी लोग पीड़िता परिवार के साथ नहीं है, अपराधियों के साथ है। यानी समाजवादियों ने अपने रूप को आखिर दिखाई दिया है, देश प्रदेश की जनता देख रही है। इतना इंश्योर हमने किया है पीड़ित परिवार को कि एक भी अपराधी बचेगा नहीं। योगी की सरकार मिट्टी में मिला के दम लेगी और समाजवादियों को जवाब देना पड़ेगा। अपराधियों की हर अवैध संपत्ति की जांच होगी, और जो अवैध संपत्ति है वो सरकार अपने कब्जे में लेगी, बिस्मार करेगी। एक भी अपराधी को, एक भी दोषी को अवैध संपत्ति पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा हमारी सरकार। जिस तरह से एक जिस परिवार को आपने देखा होगा, इतनी गरीब स्थिति में क्या जितनी अलग अलग बातें आ रही हैं कि इसके पहले भी इस तरह तमाम घटनाएं हुई हैं, तो क्या सरकार इस मामले में तह तक जाँच कराने के लिए तैयार है? प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारी सरकार का यह विचार है, यह नीति है कि पीड़ित किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे न्याय मिलना चाहिए, और अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या कितना हो रसूखदार हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के महाराज जी ने यह बकायदे इस घटना पे किया है, आप लोगों ने देखा है, और इससे पूर्व में भी जो भी इस तरह की घटनाएं आई हैं महाराज जी ने उसका संज्ञान लिया है और दोषियों को सजा दिया है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी का व्यवहार है, जिस तरह से डीएनए और नार्को टेस्ट कराने की मांग की जा रही है, इसको लोग क्या कहेंगे, क्या समझना? देखिए, जो विपक्षी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी का, जिस लाल टोपी वालों का आप लोग नाम ले रहे हैं, ये लाल टोपी वाले ही हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जो कभी हुआ करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है, वो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उसी पार्टी के अब दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं अपराधियों की, यह अत्यंत शर्मनाक है। और मैं मानवता के नाते कहती हूँ कि जहाँ कोई गरीब बच्ची, कोई भी महिला, किसी के साथ भी इस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो हमें अपराधी के साथ नहीं खड़े होना चाहिए, चाहे वो हमारे दल का ही क्यों ना हो।